Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. 70s की या 80s की फिल्में कितनी लंबी होती थी, तीन तीन घंटे की, और बड़ा मजा भी आता था देख के, पता भी नहीं चलता था तीन घंटे कब निकल गए। और अगर एक फिल्म में मल्टी स्टार कास्ट है तो वो तो मतलब क्या ही कहने, फिर लोग तो पोस्टर देख के आते थे, पोस्टर में हीरो हीरोइन की फोटो देख के फिल्म देखने में रश पड़ता था वहां पे। लेकिन माहौल ही बदल गया आजकल, और यही वो दौर था जब हीरो एक ही फिल्म में माँ का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेता था, क्योंकि परिवार बड़े होते थे ना, बाप परिवार बढ़ाता रहता था, बेटा बदला लेता रहता था। आजकल परिवार हो गए छोटे, तो बदला भी एक आध फिल्म में, पौने दो घंटे की फिल्म, बात खत्म। आप मिथुन दा की फिल्में देख लो, उन्होंने इतनी फिल्में नहीं की जितने बदले लिए मतलब। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उस दौर की हीरोइंस को जिन्होंने मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में भी काम करके अपनी पहचान और अपना करिश्मा जो है वो कायम रखा, गलियां और चौबारे से लेके सागर की लहरों तक अपने डांस की धूम मचाई। ये इतनी सोनी है कि इनसे पूरी जनरेशन को प्रेम रोग हो गया था, बाकी मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा लेट 70s और 80s की दो सुपरस्टार्स को, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग पूनम ढिल्लो जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी। कपिल जी, कपिल जी, जी मैम, मतलब चश्मा लग गया क्या? आप इतने दुबले हो गए? क्या बात है, You're right. आधे साइज के तो हो गए हैं। पर आज तो मैं कहता हूँ सोनी टीवी, बल्क में औरतों का हमला हुआ है आज हमारे शो पे। पद्मिनी जी, पूनम जी, अर्चना जी भी क्या बात है मैम। थैंक यू मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के आज, और बड़ी मजेदार बातें होने वाली मुझे पता है, और आप दोनों बड़ी प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू, आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए। ओह पता, जब आप आ रही थी तो हमारी टीम के लोग आपस में बातें कर रहे थे, बोलते हैं कि ये पूनम जी और पद्मिनी जी ऐसी हीरोइंस हैं कि जिनके बारे में ये अभी साइन भी नहीं हुई होती थी, प्रोड्यूसर वैसे झूठ बोल के ना हीरो को कि हमारी फिल्म में पद्मिनी जी हैं और पूनम ढिल्लो हैं, उनको साइन करवा लेते थे। वाह यार, बात बात हो तो ऐसी हो। अच्छा आपकी दोस्ती तो कब से है कि आज से ही, जब आज ही हुई? कपिल शर्मा के शो पे ही हम दोस्त बने हैं। कि टैक्सी का भाड़ा शेयर करके चलते हैं? नहीं, आप सुपरस्टार हैं, अपनी अपनी टैक्सी में, अपनी टैक्सी में कह रहे हो आप, अपनी अपनी कार में ही। लेकिन क्या है, हमारे आदमी तो अपने बड़ों से सीखता है ना, तो हमारी अर्चना जी कभी कभी ऐसा करती है। क्या करती हूं मैं? ये ऑटो में आती है ना तो उसको आधा भाड़ा देती है। क्यों? बोलती तू भी तो साथ में आया। वो बोलता है ठीक है मैडम, मैंने तो ऑटो चलाया भी है, कोई बात नहीं, जाते हुए मैं चला लूंगी। पर जोक्स अपार्ट मैम, ऐसे कहा जाता है हमेशा ही हमारी इंडस्ट्री में कि यार हीरोइंस की कभी दोस्ती नहीं होती, लेकिन आपकी दोस्ती को देख के लगता है कि वो बिल्कुल अफवाहें हैं। तो आपकी कब से है मैम दोस्ती और कैसे हुई आपकी दोस्ती? अक्सर एक्चुअली हमें भी ये पूछा जाता था हीरोइंस कैसे दोस्त हो सकती हैं। आखिर क्यों नहीं हो सकती भाई, कोई मतलब वहाँ पे हम लोग रेस्टिंग के लिए तो आते नहीं है, आपस में काम करते हैं, और कोई किसी के साथ मतलब अच्छी ट्यूनिंग हो जाए तो दोस्ती हो जाती है। अगर ये हीरो होता ना तो मेरा नाम पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड ये लड़की है जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई, नहीं तो हीरोज के साथ तो यू नो क्या होता है ना। हीरोज के साथ नहीं हो सकती है, आजकल कुछ कह नहीं सकते, हम दोनों को एक साथ देखकर लोग कुछ भी कह सकते हैं। सही बात है, आज के जमाने में तो हर चीज पे बुरी नजर है। मैम एक बात पूछनी थी आपसे, जब 1977 में आपके सर पे मिस इंडिया का ताज रखा गया, तब आपके दिमाग में ख्याल आया था कि 1981 में एक लड़का पैदा होगा जो आपको अपने शो पे इनवाइट करेगा? देखिए मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को भी उस वक्त आइडिया नहीं था कि कपिल शर्मा वहाँ टपकने वाले 81 में। आपकी बातों से वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप बोल रही हैं, कभी कभी ना हम लोग खुद ही एक बार में देख के किसी को ऐसा जज कर लेते कि अच्छा ये ऐसा होगा, लेकिन अंदर से करेक्टर कुछ और ही निकलता है कि यार बाद में जब बात करते हैं तो फिर दोस्ती भी हो जाती है। हमारी तो बड़ी हुई है, जैसे हमें पहले पहले अर्चना से बड़ा डर लगता था, अब खुल गए हम, अब तो हमारी दोस्ती भी है, हमारी दोस्त भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, सारा कुछ ही है मतलब।
छोटी बहन बोल। छोटी बहन भी हाँ। चल बहन तो बोला, भाई नहीं बोला, शुक्र है। नहीं तो हाँ, बस खाली कभी कभी हाथापाई कर देती है, वो नहीं अच्छी लगती। ये बाजू भी मरोड़ देती है पूनम जी। हाँ आपका नाजुक सी कलाई मरोड़ी, नाजुक परमीज सेठी का मरोड़ देती है। अरे वुमन पावर यार। पर वैसे मैं मतलब इतना खुश था सोच के कि आज आप हमारे शो पे आ रहे हैं। जैसे मैं अगर पूनम जी की बात करूं तो उन्होंने पहली फिल्म त्रिशूल में बच्चन साहब, फिर शशि कपूर साहब, फिर संजीव कुमार साहब, मतलब तीनों ही धुरंधर अपने टाइम के और ऐसे कमाल के एक्टर, बच्चन साहब स्टाइल और पूनम जी। मेरा लाइफ का पहला शॉट उनके साथ था। तो मैम आप उस समय नई नई आई थी, तो आप उस समय नर्वस थी? वैसे देखियो नर्वस आप तब होते हो जब आपको पता हो कि ये क्या हो क्या रहा है सामने। मैं तो बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है। बोला इधर खड़े हो जाओ, मैं कहा खड़ी हो गई। अच्छा एक चाटा मारा शशि कपूर ने तो मतलब ऐसा रिएक्शन दिया, अमिताभ बच्चन ने उठाया गोद में, मतलब मैं उनको तो पता ही नहीं कि लड़की पहली बार शॉट दे रही है लाइफ में। एक्चुअली इसको भी पता नहीं था कौन उठा रहा है। अच्छा पता भी नहीं कौन है सामने। मुझे बच्चन साहब ने उठाया होगा, ऊपर तो हवा भी बड़ी आती होगी, इतने लंबे बच्चन साहब। तो आई थिंक आई वाज टू आई वुड से अनइन्फॉर्म्ड कि मैं नर्वस भी हूँ। अब मैं जब सोचती हूँ कि अगर ये तीन महारथी मेरे सामने आज खड़े हों और मुझे एक्टिंग करनी पड़े, मैं अभी भी नर्वस हो जाऊँ। सच बात है। तो स्वीट मैम, पर आपने जैसे भी आपने कहा कि मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, लेकिन वो फिल्में देखा तो इतना प्यारी लग रही है आप और इतना खूबसूरत काम किया है। बहुत मुबारक हो मैम आपको, आप सबकी अचीवमेंट्स के लिए। मैं भी एक्चुअली टेक्निकली बेबी पूनम नहीं थी, ये तो टेक्निकली बेबी पद्मनी थी। अच्छा ये बड़ा फर्क होता है मैम पद्मनी जी, वैसे मैंने देखा है आप छोटी उम्र में फिल्मों में आ गई थी, कि बड़े शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें और हमें यही फर्क है। इनको बचपन से ही पता है कि हमने बड़े होके ये करना है, तो छोटे होते ही उसी फील्ड में चले गए। हमें पता ही नहीं था बड़े होके क्या करना है। जैसे अर्चना जी हैं, ये तो पहले गलत फील्ड में चली गई थी। किसमें? पहले एक्टिंग करने लगी थी। फिर किसी ने बताया कि बैठे बैठे भी कमाई हो सकती है। क्या अच्छी बात है, वाह वाह। पद्मनी जी जब आप बच्चे के तौर पे जाती थी, आप यू नो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी, तो प्रोड्यूसर आपको पेमेंट देता था कि खाली पेस्ट्री खिला के भेज देता था कि बेटे खाओ? नहीं नहीं, नहीं पेमेंट मिलती थी मेरे माता पिता जो थे। वो तो नहीं बच्चे थे ना। उस वक्त तो एक्चुअली दौर ही अलग था, तो बड़े बड़े जितने भी स्टार्स होते थे तो उनके सामने जाकर हम यूं ही हंसते खेलते थे और मस्ती में थे, बिकॉज बच्चे बहुत साथ थे। अभी जैसे ड्रीम गर्ल फिल्म की मैंने, उसमें काफी बच्चे थे साथ में, बट ऑफकोर्स सत्यम शिवम सुंदरम और इश्किश के बाद तो देव अंकल, राज साहब, उनके साथ तो बहुत 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 कुछ सीखा मैंने। पूनम जी आप वैसे शुरू से हीरोइन बनना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब कैसे गलती से आ गई। कैसे मतलब? और सोचा था कि मैं मतलब पढ़ाई करूंगी, कुछ लाइफ में एग्जाम देने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो मेरे बच्चे मुझे अभी बोलते हैं मॉम यू आर वियर्ड, कि किसको पढ़ाई और एग्जाम्स का शौक हो सकता है। बट आई यूज़ टू लव माई स्टडीज, और मैंने जब फिल्मों में आई तो एक छुट्टियों में एक छोटी सी फिल्म सोचा कर लूंगी, छोटी सी फिल्म मतलब त्रिशूल थी वो। उसके बाद मैंने वापस गई और प्लस टू के एग्जाम के लिए आई मीन कॉलेज में एडमिशन ली, फिर नूरी आ गई। और नूरी आने के बाद फिर से मैंने ना बोला मुझे नहीं करना फिल्मों में काम नहीं करना। नूर आ गया था पता, नूरी देख के। और मुझे शशि जी, शशि अंकल जिसे हम कहते थे, हमेशा छेड़ते थे, अच्छा मुझे फिल्मों में काम नहीं करना बोल के गई थी, बिकॉज ही ऑफर्ड मी द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई वाज टू डू। तो मैंने बोला नहीं मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। बोले आ गए ना ब्लाइंड पे, यू नो हाउ शशि जी आज बहुत चार्मिंगली बोलते थे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, आई थिंक डेस्टिनी लेके आई मुझे। क्या बात। हां बिल्कुल। हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो, थोड़ी सी धोती खींच लेता हूं, धोती हो रही है ढिल्लो ढिल्लो ढिल्लो। फनी देओल जी यहां आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने, क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। फनी देओल जी आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे। लाशें गिरा दूंगा, लाशें।
आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूँ। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं? यही तो! नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं आंटी जी, आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है? आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ है? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं? हाँ। It is so easy, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा पद्मिनी जी मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेके नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है कि घर में खाने में क्या बनेगा? सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है, क्या खाएगा कोई? बस कर बड़ो, काटने का नहीं, बैठ। लव यू लव यू कपिल, मेरा बच्चा है तू। अर्चना मेरा बच्चा है तू। ऑडियंस मेरा बच्चा है तू। अरे दादा ये सब कटआउट है। ऑडियंस कटआउट का बच्चा है तू। पद्मिनी जी मेरा कोल्हापुरी है तू। पूनम जी मेरा ढिल्लन है तू। बहुत मजा आया आज। आप ही ने बोला था देखते रहते थे, बात नहीं करते थे। माय बड़ो, मेरे को लाइफ में सिर्फ दो चीज पसंद है। क्या? एक तीन बत्ती का शिवपुरी और फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरी। वाह, तो वो तो राइमिंग बन गई अभी, पूनम जी की राइमिंग नहीं बनी ना कुछ। इनका ओवन में रखा है, जब बनेगा तो मैं लेकर आएगा। क्या अभी बैक टू बैक शूटिंग चल रहा है ना, बनाने में टाइम लगता है। कपिल जी मेरा और पूनम जी का एक बात है। हाँ। जो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा कौन सी बात? बोला ना किसी को भी नहीं मालूम, तो तेरे को जानने में इतना इंटरेस्ट है बड़ो। भाई इधर झाड़ लगाएगा झाड़। हाँ। बात कर ले। वैसे मैंने और पूनम जी ने वो फिल्म किया था, वो अपना कौन सा वीडियो? तेरी मेहरबानियां। मैं डायरेक्टर से बहुत नाराज हुआ था शूटिंग पे। क्यों? अरे इतना खूबसूरत हीरोइन है, मेरे को बोलता है कुत्ते से प्यार करूं। मेरे हाथ में गुलाब की जगह उन लोगों ने बिस्किट थमा दिया, बोलते करो। खैर लेकिन पूनम जी ने इतना मस्त काम किया, अपने इतना हिटेड फिल्म, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, और मैं आज भी कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ। कौन सा कुत्ता? कृष्णा। एक नंबर का कुत्ता है, चंद करोड़ों रुपए के लिए कहीं भी जग्गू हंसाई कर देता है। वैसे कपूम जी, पूनम जी के बारे में एक बात बताऊं? क्या? ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा बात है। लोगों के दिन आते हैं। हाँ। ये पहले आर्टिस्ट है जिनकी रात भी आती है, पूनम की रात। वाह चको वाह, वेरी नाइस। आप बोल बोल के थक गए होंगे, पीछे जाके आराम कर लीजिए ना। येड़ा समझेगा तूने मेरे को, येड़ा समझे लाए। आज से 2 साल पहले इसने यही बात एक आदमी को बोला था, पीछे जाके रेस्ट करिए, 2 साल से आज तक नहीं बुलाया उसको। आप मत जाइए जग्गू जी। और पता है पद्मिनी जी, आज भी वो आदमी कुर्सी की याद में आपका गाना गाता रहता है। कौन सा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो तेरा इंतजार करता हूँ। खैर कपिल जी, जी 90s में मैं और पद्मिनी जी हम लोग 90s में एक फिल्म में साथ में काम किए थे। फिर क्या, वो पिक्चर कंप्लीट हुआ। और पिक्चर कंप्लीट हो गई, थिएटर में लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर बन के रिलीज हो गई, तेरे को बात की पड़ी है? ये लगा बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी, बात कर रहे लाए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.